नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत ठाकुर। आज पहुंच चुके हैं नवाब से 18 किलोमीटर दूर बिछिया ग्राम पर, जो कि डिंडौरी जिले पर स्थित है। और यहां पर एक घर में कोई स्नेक देखा गया है। बने रहिए वीडियो में, देखते और दिखाते हैं कीट है। ऐसे घर पर आकर छुपा टॉयलेट पे और इसे हम कैच कर चुके। हालांकि ये पूरी तरीके से नॉन पॉइजनस है, लेकिन स्नेक का सांप, मतलब सांप होता है, चाहे वो कैसे हुए। देखिए पूरे जोर लगा रहा है अपने छूटने के लिए, लेकिन शायद ही तो मेरी पकड़ से छूट पाए। चलिए बाहर है। और ये किस तरीके से मेरी गर्दन को जकड़ा हुआ है, ये इसी प्रकार से लोगों का कहना है कि गांव देहात में जो मवेशी वगैरह रहते हैं, गाय बैल, उन पर अटैक करता है और उनके हाथ पैरों को बांध कर दूध पी जाता है। हालांकि स्नेक किसी भी प्रकार का दूध नहीं पीते हैं और इसे हम कैच कर चुके और इसे ले जाकर पर्यावरण छोड़ दिया जाएगा। ये अपना पूरा जोर लगा भैया।
पश्चिम वन मंडल से भी मेरे को और ऑलरेडी मैं वन विभाग पर हूँ, लेकिन वन विभाग पर रेस्क्यू कार मेरे से बहुत पहले से आता बचपन से, तो उसका अब इसका सदुपयोग करने पे हमारे क्षेत्र में इसलिए क्वालिटी जो घटना रहती है टोटली नहीं है। हाँ, अगर कहीं इतफाक से कोई स्नेक बाइट हो रहा है, किसी की जान जा रही, तो उनकी लापरवाही से। लेकिन हमको तो किसी भी लोकेशन से कॉल आता है, फॉर एग्जांपल आपके यहाँ, आप अपने घर मोबाइल आते हैं, हम देख सकते हैं कितनी देर पर मैं अवेलेबल हूँ। ठीक है दोस्तों, बने रहिए वीडियो पर, थोड़ी देर बाद फिर मिलता हूँ। प्राकृतिक के धरोहर को पर्यावरण के हवाले कर दो, जब तक ले जय हिंद जय भारत, नमस्कार। तो अभी अभी हमने एक रेस्क्यू किया था, रिटायर्ड TI साहब है गवर्नमेंट जॉब पर, जिन्होंने सर्विस से रिटायरमेंट ले चुके हैं अपने 60 साल की अवधि नौकरी की सर्विस के बाद, और इस स्नेक को हम यहाँ पर छोड़ने के लिए पहुँचे हैं, जो मेरे को वाइट करने के लिए हो रहा है, और इसे हम यहाँ छोड़ते हैं ताकि अपना जीवन यापन कर सकें। देखिए किस तरीके से जाएगा, 1 2 3। उसने
स्नेक आज़ाद हो चुका है पर्यावरण पर। इंडियन रेड स्नेक नॉन पॉइजनस, जिसमें किसी प्रकार का कोई भी विष नहीं होता। यह स्नेक किसान का मित्र रहता है, लेकिन इतने साफ सुथरे घर पर जहाँ टाइल्स मार्बल लगा हुआ है चारों साइड से पैक, उसके बाद भी घर के अंदर प्रवेश कर चुका था और उसे हम सुरक्षित तरीके से निकाल कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ चुके हैं। किसी के भी घर पर इस प्रकार के जीव जंतु निकले तो हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकता है और उसका रेस्क्यू सुरक्षित तरीके से कराकर पर्यावरण पर आज़ाद करा सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, बाय।